ये देखे फ्रेंड्स हमने ये जूती बनाने के लिए हमने ये थर्टी फाइव फंदे हमने डालने हैं तो ये हमने डाल लिया है अब यहाँ पर ये पहले हमने सीधे एक सलाई पूरी सीधी बुनाई करनी है तो इसको हम बुन लेते हैं ये पूरा सलाई हमने सीधा सीधा बुन लेना है तो इसको हम बुन लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स पहली सिलाई हमने ये सीधी सीधी बुन ली है अभी हमने कोई घटाया बढ़ाया नहीं है इसको इसी तरीके से पहला सिलाई हमने ये बुन लेना है बैक साइड से भी देखिए कैसे बुनना है बैक साइड से भी हमने सीधा सीधा पूरा फंदा है जो है ये सीधा बुन लेंगे पूरी सिलाई उसके बाद हमने बढ़ाने के लिए बताना है तो ये बुन लेते हैं पहले सामने तरफ से और बैक साइड से हमने पूरा सिलाई ये बुन लिया है अब यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने हैं तो देखिए कैसे बढ़ाना है एक फंदा हम ये उतार लेंगे इस वाले फंदे में यहाँ से हम एक फंदा लेंगे बढ़ाने के लिए ये देखिए इस तरीके से एक फंदा हमने यहाँ से ये बढ़ा लिया और फिर इसको बुन लेंगे और सीधा सीधा ही बुनना है अब यहाँ से हमने सोलह फंदे बुन लेने हैं तो एक दो तीन चार पांच अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये एक फंदा उतार लिया था एक फंदा हमने ये बढ़ाया है इसके बाद से हमने ये सोलह फंदे जो है इसके बुने हैं ये देखिए तीन तीन छः तीन नौ तीन चौके बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सोलह फंदा हमने ये बढ़ा एक छोड़ के ये एक बढ़ाने के बाद हमने सोलह फंदा ये काउंट कर लिया अब बीच में एक फंदा जो है इसमें यहाँ पर हम ये एक फंदे को तीन फंदा बुनेंगे तो एक दो ये तीन फंदा ये हो गया अब इसके बाद इधर के सभी फंदों को हमने बुन लेना है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलहवा फंदा है जिसमें से हमने यहाँ से फंदे जो है एक बढ़ा लेने हैं और एक फंदा तो साइड वाला एक्स्ट्रा है ही तो इसको भी बुन लेते हैं और बैक साइड से हमने पूरी सलाई जो है कोई घटाना बढ़ाना नहीं है बैक साइड से पूरा सलाई जो है हमने ये उल्टा उल्टा बुन बुनते जाना है सीधा सीधा बुनते जाना है तो इसको हम ये पूरा बुन लेते हैं ये देखिए इसको फिर हम बुन लेते हैं पूरा अब ये देखिए यहाँ से हमने बैक साइड से बुन के सामने तरफ आ गए हैं तब यहाँ से फिर से हमने इस पर एक फंदा ये उतार लेना है और इस वाले फंदे में हमने किनारे में एक फंदा बढ़ाना है तो इस तरीके से हम बढ़ा लेना है एक फंदा ये बढ़ गया देखिए अब यहाँ से हमने इस बार सत्रह फंदे बुनने हैं सोलह फंदे बढ़ाने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा इधर बढ़ गया है तो अब यहाँ से अब सत्रह फंदा बुनेंगे तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, अब ये देखें यहाँ पर एक फंदा हमने उतारना है एक फंदा बढ़ाना है इसके बाद देखिए 17 फंदे हमने बुने हैं तीन तीन छः, नौ बारह पंद्रह और दो सत्रह फंदे ये होगा हैं अब ये देखिए तीन फंदा जो हमने ये एक फंदे में बढ़ाया था तो अब यहाँ पर हमने हमने अब इस वाले फंदे में हमने एक फंदा बढ़ा लेना है आखिरी वाले फंदे में ये यह देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और तीन दो फंदा ये बुनने के बाद में इस वाले में भी एक फंदा बढ़ा लेंगे एंड एन वाले फंदे में हमने अब एक एक फंदा बढ़ाते जाना है ये देखिए इस तरीके से और इधर सभी सेवनटीन फंदो बुनने के बाद में फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे किनारे पे यहाँ पे अब बैक साइड से तो पूरा हमने उल्ट सीधा बुनना ही है बिना घटाए बढ़ाए तो इसको बुन लेते हैं अब ये देखिए हमने बैक साइड से बुन के सामने तरफ आ गए हैं अब इसी तरीके से हमने बढ़ाते हुए एक सिलाई में हमने चार फंदे चार फंदा हमने हम बढ़ा रहे हैं ये देखिए एक फंदा अब यहाँ से अब अठारह फंदे बुनेंगे तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच इसको अठारह फंदे इसमें बुन रहे थे तो यहाँ एक फंदा यहाँ दो फंदा और यहाँ एक फंदा एक सिलाई में चार फंदे हमारे बढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से हमने तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमारा फिफ्टी नाइन फंदे नहीं हो जाते तो इसको बढ़ाते जाना है हमने अभी बुन के अब ये देखिए इधर हमने 18 फंदे बुल लिए हैं अब यहाँ पर आ गया है बढ़ाने वाला तो यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं ये देखिए इस तरीके से हमें बढ़ा लेना है और फिर इसको हम बुन लेंगे इधर फंदे को एक दो तीन अब ये चार फंदा हमने बुना और ये पाँचवा फंदा है जो इसमें बढ़ाना है तो इसके यहाँ से हमने ये बढ़ा लेना है और फिर इसको इधर बुन लेना है और बाकी इधर बचे हुए फंदे को बुन के इस वाले फंदे में एक फंदा और बढ़ाना है और बैक साइड से उसी तरीके से बुन लेना है तो ये हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं फिफ्टी नाइन फंदे करके तो आपको दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हम ये बुनते हुए अब हमने आखिरी सिलाई एक बार और बढ़ाना है तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः धारियाँ ये बुन चुकी हैं एक बार और हमने बुनना है तो यहाँ से फिर से हमने एंड में हमने एक बार और सोचा दिखा दें आपको तो यहाँ से ये एक फंदा बढ़ा के और फिर यहाँ से अब हमने 21 फंदे बुनने हैं एक दो तीन चार पहले हमने 16 बिना था फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, अब इस वाले में हमने 21 फंदे बीच में ये गैप रखना है अब ये देखिए फ्रेंड्स ये इस फंदा को उतारना है इसको छोड़ के ये बढ़ाया हुआ फंदा है इसके बाद ये 21 फंदे हो गए हैं बढ़ के ये देखिए ये देखिए ट्वेंटी किस फंदे ये हो गए हैं इसके बाद सब यहाँ हम पर हमने यहाँ से ये बढ़ाते गए हैं तो यहाँ ये बढ़ा लेते हैं और फिर इधर बीच के फंदों को बुन लेंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस और ये ग्यारहवा फंदा में हमने बढ़ाना है ये देखिए हम यहाँ बढ़ाते गए हैं पहले तीन फंदा फिर पांच फंदा फिर सात फंदा फिर नौ फंदा फिर अभी ये ग्यारह फंदा हो गया है यहाँ पर बीच में बुनने के लिए तो यहाँ से अब ग्यारहवें फंदा में हमने ये बढ़ा लेना है और फिर से अब ये बीच के देखिए ट्वेंटी वन फंदे हैं इसको छोड़ के ये देखिए तीन छः नौ बारह पंद्रह 18 और ये इक्कीस फंदे हैं तो इसको बुन के यहाँ एक लास्ट में बढ़ा लेते हैं ये सामने तरफ से हमने हर सलाई में बढ़ाया है और बैक साइड से हमने पूरी सलाई जो है वो सीधा ही बुना है तो यहाँ एक फंदा ये देखें एंड में अब ये बढ़ा लेते हैं अब हमारे पूरे ये फिफ्टी नाइन फंदे हो गए हैं तो अब हमने नहीं बढ़ाना है अब इसके बाद से बैक साइड से हमने ये पूरा हमने सीधा सीधा बुन लेना है ये देखिए अब हमने ये इसको पूरा बुन लेते हैं अब ये देखिए यहाँ से हमारा ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है अब ऊपर की बुनाई हम करेंगे तो अब हमने ये छः सिलाई जो है सीधा उल्टा बुनना है तो सामने तरफ से सा हमने ये सीधा सीधा बुन लेना है ये देखिए फ्रंट साइड है और इसको हम ये सीधा सीधा बुन लेंगे पूरी सिलाई हमने सीधा सीधा ये बुन लेना है अब ये देखिए हमने सामने तरफ से पूरा फंदा सीधा बुना है सीधा हम पहले भी बुन रहे थे लेकिन इस बार सीधा बुनेंगे तो बैक साइड से अब हमने उल्टा बुनना है तो सामने तरफ अब ये सीधा सीधा दिखने लगेगा तो हमने ये पूरी सलाई जो है अब उल्टा बुनना है बैक साइड से तो सामने तरफ से हम सीधा बुनेंगे बैक साइड से उल्टा बुनेंगे इसी तरीके से हमने छः सलाई बुन लेनी है ये देखिए इस तरीके से हमने बना लेना है तो यहाँ से अब चेंज हो जाएगा एक सीधा उल्टा दिखाई देने लगेगा बैक साइड से अब हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये चार सलाइयाँ बुन ली है अभी यहाँ पर हमने घटाना बढ़ाना ही नहीं 59 है फिफ्टी नाइन फंदे हैं इतना ही हमने फंदा ये बुनते गए हैं तो दो सलाई और बुन लेते हैं सामने तरफ से हमने सीधा सीधा बुनना है बैक साइड से उल्टा बुन लेते हैं तो ये हमने छह सलाइयाँ जो है ये कंप्लीट करनी है तो इसको बुन लेते हैं सामने तरफ से फिर बैक साइड से अब ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये छह सलाई जो ये बुन गया है अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें अब हमको ये न है यहाँ से जो इधर वाले को छोड़ के, के यहाँ से जो इस वाली धाड़ी में हमने फंदे उठाने हैं यहाँ से ये फंदा हमने ले लेना है ये देखिए ये फंदा हमने लेना है और इसमें चढ़ा लेना है और इसको दो फंदा हम एक साथ बुन देंगे ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे बुन देना है ये नीचे वाले फंदा फंदे को लेना है हमने ये देखिए इस वाले को इस वाले को हमने लेना है और इसमें चढ़ा लेना है और इस फंदे को एक साथ करके हमने इस तरीके से बुन देना है ये देखिए ऐसे करके अब फिर से हमने इधर आके ये फंदा लेंगे यहाँ पर ये फंदा हमने उठाना है नीचे वाला ये फंदा फिर से इसमें हम ले लेंगे दूसरे सिलाई में और इस तरीके से इसको बुन देंगे ये देखिए इस तरीके से हमने ये बना लेना है तो ये हम बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए इस वाले फंदे को हमने उठा लिया नीचे से इस वाले फंदे को हमने उठा दे जाना है ये देखिए इस तरीके से ये बनते जा रहा है सामने तरफ से तो ऐसे ही हम ये पूरा बुन के आपको दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये इस तरीके से ये बुनते हुए यहाँ एंड तक आ गए हैं ये यहाँ से ये बैक साइड है ये फ्रंट साइड है आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से हम फंदे बढ़ा रहे थे और इस धागे को हमने ये राइट साइड है तो ये ये हमारा सीधा तरफ है और ये हमने ये बुन के अंदर से इसको जॉइंट कर लिया है तो यहाँ पे ये डबल फोल्ड हो गया है अब यहाँ से इसको देखिए क्या करना है यहाँ से हमने पूरी सलाई जो है इसको उल्टा बुन लेना है ये अंदर तरफ है तो इसको हम उल्टा बुनते जाएंगे ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरी सलाई कंप्लीट कर लेनी है उल्टा बुन के तो ये पूरा हम बुन लेते हैं उल्टा अब ये देखिए बैक साइड से बुन के हमने सामने तरफ आ गए हैं अब यहाँ से हमने फंदों को ये देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का इस तरीके से बॉर्डर करके हमने छाइयाँ बुन लेनी है ये देखिए इस तरीके से हम बुन लेंगे बैक साइड से भी हमने सीधा के ऊपर सीधा और उल्टा के ऊपर उल्टा बुन लेना है तो ये पूरा हम बुन लेते हैं अब ये देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके हमने ये बुन लिया है अब बैक साइड से भी हमने वैसे ही बुनना है बॉर्डर बुन लेना है तो ये देखिए उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बुन लेंगे और ये सीधा फंदा है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे इसी तरीके से हमने ये सिलाई भी कंप्लीट करनी है तो इसी तरीके से हमने छह सलाइयाँ बुननी हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिए ये देखिए इस तरीके से हमने ये बुन लेना है तो ये बुन लेते हैं पूरी सिलाई अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये छलाइयाँ हमने ये कंप्लीट कर ली है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये पूरा हो गया है अब देखिए यहाँ से हमने कैसे बुनना है अब हमने एक उल्टा और एक सीधा करते हुए इसको बुन लेना है ये देखिए जो सिर्फ सीधा हमने दिख रहा है उसको सीधा और जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुन लेंगे तो ये हम 25 फंदे हमने ये बुन लेने हैं तो 25 फंदे बुन लेते हैं पहले अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये 25 फंदे बुन लिए हैं ये देखिए छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ये ट्वेंटी फाइव फंदे हो गए हैं अब यहाँ से हमने नौ फंदे जो हैं ये नौ फंदों को हमने पांच फंदे में करना है तो देखिए कैसे करेंगे ये देखिए दो फंदा हमने एक साथ कर लिया फिर से ये दो फंदे को एक साथ कर लेंगे ये देखिए दो दो फंदा हो गया अब एक फंदा बीच वाले को बुन लेंगे अब इधर के इस तरी, इस तरी तरफ से हमने ये दो दो फंदे ले लेने हैं ये दो फंदा फिर इधर का दो फंदा ये नौ फंदा का पांच फंदा हो गया ये देखिए एक दो तीन चार पाँच बीच वाला फंदा हमने बुन लिया है यह दो दो फंदा हमने ये घटा दिया बाकी इधर के फंदों को हमने बुन लेना है इधर भी ट्वेंटी फाइव फंदे हैं तो इसको हम बुन लेते हैं अब ये देखिए सामने से बुन के हम बैक साइड तरफ ही बुन रहे हैं यहाँ पर देखिए जो फंदा हमें जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे बुनेंगे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा जो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो पांच फंदे हमने ये घटाए थे ये देखिए बैक साइड से उल्टा दिख रहा है तो इन सभी पांचों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है बैक साइड तरफ से बाकी जो फंदा इधर जैसा दिख रहा है वैसा बुन लेंगे ये देखिए सीधा है ये उल्टा है तो ये बुन लेते हैं बुन के हम सामने तरफ आते हैं अब ये देखिए बैग से बुन के हम सामने तरफ भी हमने एक फंदा सीधा उल्टा करके बुन लिया है अब यहाँ पर जो ये बीच में पांच फंदे हैं इसको हम फिर से यहाँ से घटाएंगे। तो इन पांचों फंदों को हमने तीन फंदा बना लेना है ये देखिए एक बीच वाले फंदे को हम बुन लेंगे और इस वाले फंदे को ये दो फंदों को हमने एक कर देना है ये देखिए इस तरीके से हमने ये घटा लिया तीन फंदा हो गया पांच कब तीन हो गया अब इधर उल्टा सीधा फंदों को हम बुन लेंगे बैक साइड से भी तीन फंदों को उल्टा बुन लेना है तो ये बुन के दिखाते हैं सिर्फ सामने तरफ ही घटाना है बैक साइड से नहीं घटाना है बैक साइड से जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही बुनते जाएंगे अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये बैक साइड से भी बुन के सामने तरफ आ गए हैं अब यहाँ हम फिर से घंट फंदे घटाएँगे तो ये तीन फंदा बचा है अब तीन फंदे को हमने यहाँ पर एक फंदा कर देना है तो इन दोनों फंदों को इस तरीके से हमने पलट लेना है ये देखिए ऐसे और ऐसे पलट लेंगे और तीन फंदों को एक साथ ले लेंगे हम और तीनों को घटा देंगे अब ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बच गया अब बाकी बचे हुए फंदों को हमने बुन लेना है एक फंदा उल्टा और एक सीधा एक फंदा सीधा करके बुन लेना है बैक साइड से जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बुन लेंगे तो इस बुन के आपको दिखाते हैं अब ये देखिए बैक साइड से भी हमने एक फंदा सीधा उल्टा करके पूरी सिलाई बुन के हम सामने तरफ से भी हमने ये बुन लिया है अब यहाँ देखिए एक फंदा ये बीच में बचा है तो इसको फिर से हमने एक फंदा और घटा लेना है तो इसको इस तरीके से हमने फिर से फंदों को घुमा लेना है ये देखिए ऐसे करके और ये फंदा हम ले लेंगे और तीन फंदा का एक कर देंगे ये देखिए ऐसे बाकी अब ये सीधा फंदा यहाँ आ गया सीधा फंदा यहाँ आ गया तो इसको इस तरीके से बुन लेंगे बाकी फंदों को हमने उल्टा सीधा बुन लेना है एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके बैक साइड से जो फंदा हमने जैसे दिख रहा है वैसे बुन लेंगे अब ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये पूरा ये घट चुका है यहाँ पर ये 49 फंदे बचे हुए हैं तो अब हम इनको पूरी सलाई जो है हमने सीधा सीधा बुन लेना है सभी फंदों को तो इस तरीके से हम बुन लेते हैं ये सीधा सीधा बुन लेंगे सभी फंदों को तो ये पूरा सिलाई हम बुन लेते हैं अब ये देखिए पूरी सिलाई जो है हमने ये सीधा सीधा बुन लिया है अब बैक साइड से भी हम ये सीधा सीधा ही बुन लेंगे पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बुन लेना है तो ये चार सलाई हमने सीधा सीधा ही बुन लेना है तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए फिर दो सलाई ये हो गया है अब फिर से हमने दो सलाई और सीधा सीधा फिर उधर से भी सीधा सीधा बुन लेना है तो इसको बुन लेते हैं ये देखिए इस तरीके से ये गांठ वाले डिज़ाइन जो है सामने आ जाएगा तो इसको बुन लेते हैं सीधा सीधा अब ये देखिए ये चार सलाई हमने बुन लिया है अब यहाँ से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके हमने बॉर्डर बुन लेना है चार सलाई हमने बुनना है ये देखिए एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा करके हमने बुन लेना है इसी तरीके से हमने ये बैक साइड से भी बुन लेंगे एक उल्टा और एक सीधा तो चार सलाई हमने इसी तरीके से बुन लेना है ये जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया है नीचे तो चार सिलाई ही हमने ऊपर बुनना है तो ये बुन के दिखाते हैं अब ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक फंदा सीधा उल्टा करके चार सलाई हमने एक दो तीन चार सलाई हमने ये बुन लिया है अब यहाँ से ट्वेंटी फोर फंदे और इधर के ट्वेंटी फोर फंदे हमको अलग अलग कर लेना है बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा है तो उसको हम घटा देंगे तो इधर से हम ये ट्वेंटी फोर फंदे बुन लेते हैं ये देखिए यहाँ से तीन तीन छः, नौ बारह पंद्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये तेईस फंदा हुआ और एक फंदा हम यहाँ से लेना है तो एक फंदा यहाँ ये हम घटा देंगे तो इसको और इसको लेके हमने ये घटा देना है तो दोनों तरफ ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर फंदे बच जाएंगे ये देखिए इस तरीके से अब बाकी इधर ट्वेंटी फोर फंदे बचेंगे ये देखिए ये देखिए ट्वेंटी फोर फंदा ये बचा और इधर भी ट्वेंटी फोर फंदा हो गया तो इधर पलट के अब हमने यहाँ से बुनते जाना है अब यहाँ से एक फंदा उतार लेंगे और इस सब फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा बुन लेना है तो इसको बुन लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक दो तीन चार पाँच छः सलाइयाँ जो हैं हमने सीधा सीधा करके बुन लिया है इसको अलग और एंड में हमने इधर करके ये धागे को हमने ये काटा है ताकि इधर नहीं आए और इसी तरीके से अब हमने इधर भी फंदे उठा के और बुन लेने हैं तो इधर हमने ये धागा लगा के बुन लेंगे तो सीधा सीधा बुनना है हमें तो इस तरीके से हम बुनते जाएंगे इस वाले धागे को इसी में दबा देंगे और सीधा सीधा हमने छः सलाइयाँ तक बुन लेना है फिर इसको बाद हम इसको बंद कर देंगे तो ये बुन लेते हैं दोनों तरफ से अब ये देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है एक दो तीन चार पाँच छः धारियाँ ये हो गई हैं अब हम ये बंद, इधर से बंद करेंगे तो ये बंद होके इधर धागा आएगा इसलिए हमें इस दूसरी तरफ से बंद करना है तो देखिए इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे एक बुन लेंगे और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से हमने उतारते जाना है ये देखिए इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे तो इसी तरीके से हम बंद कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये दोनों बंद कर लिया है इस तरीके से ये धागा हमारा पीछे तरफ है बैक साइड तरफ तो इसको इस तरीके से करके हमने अब ये सिलाई कर लेनी है ये पूरा यहाँ से लेके और ये इधर से ये हमने यहाँ तक ये सिल लेना है तो इसको सिल के आपको दिखाते हैं अब ये देखिए हमको यहाँ से ये सिलते जाना है इस तरीके से टाइट करके इसको यहाँ से हम ये इस तरीके से सिलते जाएंगे यहाँ से हमने ये कर सिलते हुए यहाँ से ये सिल के यहाँ पर एंड करेंगे तो ये हम ये पूरा सिल लेते हैं ये बैक साइड से हम सिल रहे हैं उल्टा करके अब ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सिलाई कर लिया है अब इसको हम सीधा कर देते हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के ये तैयार हुआ है इस तरीके से फोल्ड करना है ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके दो तीन महीने बच्चे तक को आराम से आ जाएगा या तो आप ये पोर्शन जो है बेबी के पैर से आप नाप सकती हैं ये चीज अब ये देखिए बन के ये कंप्लीट तो हो गया है अब इसमें हम ये डोरी डाल लेते हैं अलग कलर से जो कि हमें दिखेगा तो हम इस वाले पोर्शन को इस तरीके से हम गोल गोल घुमाते जाएंगे ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है और दूसरी तरफ थोड़ा सा लंबा लेके इधर इधर हाथ में हमें इस तरफ से घुमाना है दोनों हाथ को हम दोनों उंगली को इस, इसको इस तरफ घुमाएंगे और इस वाले को हमने इस तरफ घुमाना है इसको घुमाते जाएंगे और एकदम से टाइट हो जाए फिर देखिए क्या करना है इधर से घुमाते जाएंगे और इस वाले उंगली को हमने इधर से घुमाते जाना है दोनों को अपोजिट साइड में एक दूसरे से को इस तरीके से हमने ये लपेटना है बहुत ही आसान से डोरी ये बन जाती है ये देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से घुमा रहे हैं इस तरफ से और इधर से हम इस तरफ़ से घुमा रहे हैं अब इन दोनों को यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे तो अपने आप यहाँ से ये यह देखिए बंधने लगेगा डोरी ये देखिए इस तरीके से अपने आप ये डोरी गोल बनके ये तैयार हो जाता है ये देखिए कितना अच्छा अपने आप ये बन गया अब इसको हम कट कर लेंगे जितना भी लंबा हमें चाहिए तो इसको काट लेते हैं अब ये देखिए एक तरफ तो ये बंद है ही ये इस तरफ हम ये गाँठ लगा लेंगे ताकि खुलेगा नहीं ये देखिए इस तरीके से और ये देखिए बहुत अच्छी ये डोरी तुरंत बन के तैयार हो गई है अब हम इसको इसमें क्रोशिया की सहायता से इसमें लगा देंगे अब ये देखिए जो यहाँ पर ये एक फंदा है बीच में यहीं से हम ये धागा को ये निकालेंगे ये देखिए यहाँ से हमने ये ले लेना है ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम ये इधर से निकालते जाएंगे अब हमने यहाँ पर ये देखिए निकाल लिया अब एक ये जो सीधा फंदा है इसको छोड़ के दूसरे सीधे फंदे से फिर से निकालेंगे इसको इस तरीके से हमने निकाल लेना है फिर एक छोड़ देंगे और फिर एक वाले से इधर से निकालते हैं यहाँ से ये देखिए इस तरीके से तो पूरे में हमें इसी तरीके से डाल लेना है इसको डाल देने से बच्चे के पैर में अच्छे से ये बंध जाएगा निकलेगा नहीं तो एक एक एक-एक फंदा छोड़ के और एक एक फंदे में हम निकालते जाएंगे ये देखिए कितना अच्छा डोरी बन के तैयार हुआ है इस तरीके से हम निकाल लेते हैं अब ये देखिए उधर से गोल घुमाते हुए हम इधर से आ गए हैं इस धागा को लेते हुए अब यहाँ पर ये एक फंदा छोड़ के ये वाला धारी ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक बचा हुआ है इसके बाद फिर इसको हमने जो यहाँ से शुरू किया था तो इसी में यहाँ से लेके और इस तरीके से हम ये खींच लेंगे इसमें तो दोनों फन धागे जो हैं हमारे यहीं पर आ गए हैं अब इसको बांधने में आसानी रहेगी ये देखिए इधर से खींच जाएगा ये इधर से खींच जाएगा ये आराम से अब इसको बांध सकते हैं यहाँ पर गांठ लगा सकते हैं ये देखिए इस तरीके से थैंक यू फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के लिए